अस्सलाम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। ये बताएं क्या चीज़ है? आपको लग रहा होगा ये कोई माया घोली हुई है या फिर ये कोई लिक्विड है। ये बेसिकली है यखनी, बकरे की, यू नो, बकरे की यखनियाँ। इसे गर्म कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन का दरवाज़ा खोल लेंगे, ऐसे करके यखनी अंदर रखेंगे और इसको लगा देंगे 2 मिनट के ऊपर। इसको 2 मिनट के ऊपर लगा देंगे, उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि कब तक ये हो जाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चावल मेरा ख्याल है कि हो गए ने, पानी इन्हों का सुक गया जे, तो हूँ इन्हों में ट्राई करना है पाना। तुम्हें एक नेकी करना, ये जहाँ चमचा मारना चावलों के, तो बस उस तो बाद फिर खाने हैं रोटी। ए चुकया बर्तन का मूँह, तो हाली थले पानी है, पानी इन्ना तो नहीं है, थोड़ा जहा है, तो इंशाल्लाह जो पानी सुक जाना है तो फिर ताड़ा भरा जो चावल खा सकता वा। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, फ्लेम आज तक कर देंगे और कुछ मिनट बाद ये हो जाएगा। ओए यखनी निकलना चाहिए, ओए ये जनाब यखनी है और ये फुल गर्म नहीं हुई है। नहीं नहीं अभी नहीं गर्म हुई, तो इसको दोबारा गर्म करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ नॉट गर्म एट ऑल। अभी देखें बाहर से नज़र भी आ रहा है कि अगर ये उबल कर बाहर गिरने लगे तो आप इसको रोक लें। तो नाजरीन हाजरीन दुआ में याद रखिएगा, कप को उबाला तो एक दिन आ ही जाएगा। सो उम्मीद है कि आप मुझे दुआ में लाजमी याद रखेंगे। सो ये यखनी है और इंतहाई यखनी है, ये मतलब गर्म यखनी है। पता नहीं अब पी के इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे पी के रिजल्ट क्या आएगा, आई डोंट नो, लेकिन ट्राई की। ये बकरे की यखनी, मज़ा आ गया। थैंक यू।